नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। यूपी के बांदा जिले में चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखकर और सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहां एक वेल्डिंग की दुकान में कुछ चोर चोरी की नियत से घुसे थे। इन चोरों ने दुकान से सामान भी चुरा लिया था, लेकिन जब इन चोरों को दुकानदार की स्थिति के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने चुराए हुए सामान को लौटा दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने बाकायदा एक चिट्ठी में माफीनामा भी लिखा है। चोरों ने चिट्ठी को उस बोरी पर चिपका दिया जिसमें उन्होंने चुराया हुआ सामान भरा था। इस चिट्ठी में चोरों ने दुकानदार से माफी मांगी और कहा कि उन्हें नहीं मालूम था कि आपकी हालत ऐसी है। अब चोरों की ओर से चिट्ठी इलाके में चर्चा का विषय बनी है। चोरों ने दुकान मालिक को लिखी चिट्ठी में ये भी कहा कि एक गलत सूचना पर वे यहाँ चोरी करने पहुँचे थे। दरअसल बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के चंद्रायल गांव में वेल्डिंग की दुकान करने वाले दिनेश तिवारी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्होंने थोड़े दिनों पहले किसी से ब्याज पर 40,000 रुपए लेकर इस काम को शुरू किया था। 20 दिसंबर की सुबह जब वे अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्हें ताला टूटा हुआ मिला। दुकान में रखा सामान चोरी हो चुका था। दिनेश ने चोरी की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने उनका केस दर्ज नहीं किया। इधर गाँव के कुछ लोगों ने सूचना दी कि उनका सामान गाँव के बाहर पड़ा है। दिनेश तिवारी के वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि चोर उनका सामान वहां फेंक कर चले गए, लेकिन चोरों ने सामान से भरी बोरी पर एक चिट्ठी चिपका रखी थी। इस चिट्ठी में चोरों ने दिनेश से माफी मांगते हुए लिखा कि हमें किसी बाहरी आदमी से आपको लेकर जानकारी मिली थी। चोरों ने कहा, लेकिन जब हमें आपके बारे में पता चला तो हमें काफी दुख हुआ। ऐसे में हम आपका सामान वापस लौटा रहे हैं। इधर इस चिट्ठी से पता चलता है कि जिसने भी चोरों को जानकारी दी वो लोकल होगा। वहीं दिनेश तिवारी अपना सामान मिलने के बाद काफी खुश हैं। वे ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हुए कहते हैं कि भगवान ने रोजी रोटी की रक्षा की है। इधर इस मामले में स्थानीय पुलिस भी हैरान है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में थाने में केस दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन सामान मिल गया है और वे पीड़ित से इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।